नाम हुआ आपका? डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल। आज भारतीय नारी समाज जिला इकाई के द्वारा एक सम्मेलन किया जा रहा है, इस सम्मेलन के माध्यम से जनताओं को, आवाम को और सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम यह कहना चाहते हैं कि आज हमारा जो नारी समाज है, यह समाज में सबसे नीचे पायदान पे जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया उसमें बिहार जो सबसे पीछे है, उसमें भी उस पायदान पे हमारे नाई कास्ट के लोग सबसे नीचे पायदान पे बैठे हुए हैं। समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कभी भी इस जाति की ओर ध्यान नहीं दिया, जिस जाति में कर्पूरी ठाकुर जैसे, धर्मदास जैसे लोग, भिखारी ठाकुर जैसे लोग पैदा लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आप अशोक सम्राट का नाम सुने होंगे, जो देश इंडिया ही नहीं विदेश तक भी बुद्धम शरणम गच्छामि का जिन्होंने नारा दिया, स्लोगन दिए, और आज उसी समाज का नाई समाज में सबसे पीछे पायदान पर होने का कारण ये भी है कि सरकार के तरफ से कभी कोई बिजनेसमैन को जो है लोन मिलता है, लेकिन हमारे समाज को आगे करने के लिए सैलून के नाम पे, दुकान सैलून के दुकान के नाम पे कभी भी सरकार सब्सिडी के द्वारा या लोन मुहैया करके इसको आगे बढ़ाने का कभी काम नहीं किया। आदरणीय राबड़ी देवी जी की जब सरकार हुई, आदरणीय लालू प्रसाद जी इसको SC ST में शामिल करने के लिए जो है भेजे थे केंद्र सरकार को, जब उनकी सरकार थी, लेकिन केंद्र ने कभी ध्यान नहीं दिया। और जब केंद्र बिहार में रिपोर्ट भेजे जिसको व्यक्तिगत ढांचा आधारित जो उसका क्या स्थिति है, जिसको एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट कहते हैं, ऐसा सिन्हा इंस्टीट्यूट को दिया गया था, इसको नीतीश कुमार जी ने दबाने का काम किए, और केंद्र का काम है SC ST में शामिल करना। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी को बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी से फुर्सत मिलेगी तब ना हमारे जैसे छोटे कास्ट पर ध्यान देंगे। इसलिए हमारा कास्ट चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक स्तर के क्षेत्र में हो, राजनीतिक स्तर पर सभी जगह से पिछड़े हुए हैं। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, बात कर रहे हैं समाज के लिए, तो ये आप बात कर रहे थे कि OBC को जातीय गणना जनगणना के आधार पे कुछ काम हो, इसमें आपका क्या विचार था जातीय जनगणना के आधार? निश्चित रूप से इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब पेड़ पौधों की गिनती है, बाघ और हिरण की गिनती है, जब हाथी की गिनती है, तो जाति की गिनती क्यों नहीं होगा? जब तक जाति की गिनती नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि इस देश में 125 करोड़ में जो है 20 लाख लोग बिना घर का रोड किनारे सोता है, कैसे पता चलेगा कि 20 लाख लोग एक ही घर में 10 परिवार रहने पे मजबूर है? जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक जिसको लाभुक को लाभ पहुंचना चाहिए वो पता नहीं चलेगा, और जातिगत जनगणना हो जाने के बाद समाज में किनको सहायता की जरूरत है यह पता चल जाएगा, कौन लोग भीख मांग रहे हैं, कौन लोग बेघर है यह पता चल जाएगा। और निश्चित रूप से अंग्रेज 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुआ, अगर जातिगत जनगणना होती है तो निश्चित रूप से जो समाज के नीचे पायदान पर नाई जैसे लोग हैं, जो समाज का सबसे विश्वासी आदमी होता है, तेज धार गर्दन पर रखे रहते हैं फिर भी वो किसी का गला नहीं रहता है, तैसे विश्वासी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है। एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, खास करके जब बात करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का, बात करते हैं जाति का, बात करते हैं सम्मिलित समाज का और समाज के उत्थान का, तो इसमें खास करके विवाह की जो बाधा आती है वो, और चुनाव की जो बात है, तो उसमें सभी लोग कहते हैं कि एक समान और एक जाति और एक तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का चाहते, इसमें जातिगत बात क्यों आ जाती है? क्या जो भी फॉरवर्ड कास्ट हैं या बैकवर्ड कास्ट है सभी एक जगह एक वोट के क्रम में क्यों नहीं आते, इसमें विभिन्नता काहे है? नहीं, देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने लेखनी के द्वारा ऑपरेशन कर दिए कि वोट देने का अधिकार तो पहले था नहीं, जब से इस देश में संविधान बना तो नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिला, और उन्होंने अपने कलम से ऑपरेशन कर दिया कि जितना वोट का कीमत रानी का होगा उतना ही वोट का कीमत एक मेहतरानी का होगा। और अब जो है देश में माँ के गर्भ रानी के पेट से ही राजा पैदा नहीं लेगा, एक मेहतरानी के पेट से भी राजा पैदा लेगा। उसी क्रम में एक चाय बेचने वाला कहते हम देश का प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में जाति जहाँ तक बात है इसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता है इस देश से, और जाति अगर ख़त्म होगी तो सबसे पहले गरीब और अमीर की जाति मिटानी पड़ेगी, तब जाति ख़त्म होगा। अंतरजातीय विवाह का भी तो बात चर्चा चल रहा है, जो लोग कर रहे जब बालिग लोग करते हैं तो करते ही हैं समाज में, उसको संवैधानिक अधिकार है, इसको कहाँ कोई रोकता है, ये तो संवैधानिक अधिकार है, एडल्ट लोग करते ही हैं, उसको कोई नहीं, तो कोर्ट ने हक दिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ।
जब बात करें चुनाव की, जब बात आती है तो वहाँ पे जब सभी कहते हैं कि सभी प्रकार के जाति धर्म एक जगह पर और काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे जब व्यक्तिगत चुनाव में केवल जातिगत नहीं, सुनिए जातिगत नहीं, तो उन लोगों से पूछिए जो गाय गंगा और दंगा की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, जो मंदिर और कब्रिस्तान की बात करते हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए जो जाति का स्लोगन दे करके हिंदू और मुसलमान में बांटते हैं अपने वोट के लिए, बाकी लोग नहीं बांटते हैं। ये झूठी थोथी दलील बाकी लोग पर करते हैं, ये बीजेपी वाले और केंद्र में बैठे हुए सरकार और थर्ड नंबर की पार्टी जो एक नंबर की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं, उनसे पूछ सकते।